बी सिंपल, ट्रेड सिंपल एंड अर्न सिंपल, इसी थीम के साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पुल बैक इंडिकेटर्स। एक्चुअली होता क्या है, काफ़ी लोग बिलीव करता है कि कोई सेटअप अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वर्क करेगा। उसी चक्कर में उनके ट्रेडिंग स्क्रीन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो बिल्कुल सिंपल वे में ट्रेड लेना है एंड सिंपल रूल्स को फॉलो करिए तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे एंड सही रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। इसी थीम के साथ कल मैंने ITC पर ट्रेड लिया था, तो चलिए चार्ट्स पर ट्रेड को एनालाइज करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो एंड 50% ऑफ द टाइम भी आपके ट्रेड करेक्ट होता है तब भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हो, अगर आप सही रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो। सबसे पहले पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। एक इंडिकेटर यूज करो एंड सही स्ट्रेटजी को फॉलो करो काफी है, इट्स मोर देन इनफ। जैसे ही आप पुलबैक इंडिकेटर को चार्ट्स पर अप्लाई करेंगे तो बाय सेल सिग्नल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवोट लाइन, ब्लू एंड येलो मूविंग एवरेज लाइन एंड CPR बैंड, ये सब आपको ऑटोमेटिकली चार्ट्स पर विजिबल हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेजेस की लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। इंट्राडे पर क्या स्ट्रेटजी होगा ये मैं आपको ट्रेड के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको एक बार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर कोई भी सिग्नल नहीं मिला। इंडेक्स पर जब ट्रेड लेंगे तो वी विल यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम, और बैंक निफ्टी कि चार्ट पर कल CPR बैंड वाइट था, मतलब साइडवेज मार्केट, और बैंक निफ्टी पूरा दिन रेंज बाउंड था। एंड प्रीवियस डे बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, नैरो CPR बैंड, मतलब ट्रेंडिंग डे। पहले बाय सिग्नल मिला है बट रेड कैंडल पर तो आपको इग्नोर करना है। फिर सेल सिग्नल मिला है बट सिग्नल कैंडल CPR बैंड के अंदर है, देन अगेन यू हैव टू इग्नोर दिस सिग्नल। फिर बाय सिग्नल मिला एंड कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है एंड बैंक निफ्टी ने 26 मई को मोर देन 500 पॉइंट्स दिया है। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल की होम पेज पर जाए, सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो अवेलेबल है। आप इस इंडिकेटर को यूज करके मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड कर पाएंगे, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, 15 मिनट स्ट्रेटजी एंड 2:30 PM स्ट्रेटजी। इसीलिए मैं कहता हूं वन इंडिकेटर मल्टीपल स्ट्रेटजी। सारे स्ट्रेटजीज के वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज पर अवेलेबल है। कल मैंने जो ITC पर ट्रेड लिया था उसके ऊपर चलते हैं। ये ITC का चार्ट है। स्टॉक्स में जब ट्रेड करेंगे तो टाइम फ्रेम 3 मिनट्स होगा। मार्केट्स ओपन होते ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन, पिवोट की लाइन, ब्लू एंड येलो मूविंग एवरेजेस लाइन एंड CPR बैंड, ये सब ऑटोमेटिकली आपको देख जाएगा। ITC पर CPR बैंड नैरो है। अगर CPR बैंड नैरो है देन बैंड कलर डार्क होगा, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन दोनों साइड पर बाय एंड सेल ट्रेड ले पाएंगे। और अगर CPR बैंड वाइड है देन बैंड कलर लाइट होगा, तो आप केवल रेजिस्टेंस लेवल पर सेल सिग्नल पर ट्रेड लेंगे एंड सपोर्ट लेवल पर बाय सिग्नल पर ट्रेड लेंगे, और एल्स आप उस दिन के लिए ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हो। कल सबसे पहले सेल सिग्नल मिला बट सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है, तो सेल ट्रेड को इग्नोर करेंगे। आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है एंड ट्रेड विद पेशेंस। अब बाय सिग्नल मिला है 12:51 की कैंडल पर एंड सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, तो मैंने 12:51 की क्लोजिंग प्राइस के आसपास बाय ट्रेड लिया है विथ 3200 क्वांटिटीज। मैं जब भी कैश मार्केट पर ट्रेड लेता हूं तो फ्यूचर की क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूं। अगर किसी को फ्यूचर्स पर ट्रेड लेना है वो फ्यूचर्स पर ट्रेड ले सकते हैं, और जिनको ऑप्शंस पर ट्रेड लेना है वो कॉल पुट बाय कर सकते हैं। और प्रीवियस कैंडल की लो स्टॉप लॉस होगा, बट मैंने 12:42 की कैंडल की लो पर स्टॉप लॉस को सेट किया था, क्योंकि सिग्नल कैंडल की लो एंड प्रीवियस कैंडल की लो में सिर्फ
20 पैसे का डिफरेंस था, इसीलिए मैंने इस कैंडल की लो पर स्टॉप लॉस को सेट किया। एंड टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जैसे जैसे मेरे टारगेट्स अचीव होते जाएंगे मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा विद टारगेट। एंड मैंने 127 पीएम की कैंडल पर पोजीशन को क्लोज कर दिया विद अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8000। प्रॉफिट बुक करने के बाद आप रिमेनिंग सिग्नल्स को फॉलो नहीं करेंगे एंड अपना कंप्यूटर स्क्रीन को क्लोज कर देंगे। अब मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है, मैंने सिर्फ 1600 रुपीज का रिस्क लिया टू गेन 8000 रुपीज, मींस 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 1:5 रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है मार्केट्स पर, तो हमेशा आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पर फोकस कीजिए। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट पर कोई होली ग्रेल सिस्टम है जिसको फॉलो करने से उनको कभी लॉस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका स्ट्रेटजी 80% करेक्ट है एंड आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड सही नहीं है तो आपको फिर भी नुकसान हो सकता है, और अगर आपका स्ट्रेटजी 50% भी करेक्ट है और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है तब भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये तीन सिनेरियो को देखिए, और सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो को देखिए। फर्स्ट ऑप्शन जहां पे आपका विनिंग रेट इज 80%, क्या होता है वहां पे आप स्टॉप लॉस को बड़ा रखते हो ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और आपको 8 times प्रॉफिट मिलता है विद स्मॉल 10 points, और आप छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर हो जाते हो। बट दो बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है एंड 40 points के साथ एट द एंड योर रिजल्ट इज 0, योर एंटायर डे इज वेस्टेड। सेकेंड सिनेरियो को देखिए, आपके विनिंग रेशियो इज 70%, जहां पे आपके 7 times टारगेट हिट होता है विद 10 points, बट जो 3 stop loss ट्रिगर हुआ है आपके सारे प्रॉफिट को माइनस में लेके गया। तो क्या फायदा ऐसा 70% विनिंग सिस्टम का, मार्केट्स एट द एंड वही पे जाता है जहां पर उसको जाना है और आप सिर्फ देखते रहते हो। सो नेवर प्रिडिक्ट एंड ऑलवेज स्टिक टू योर टारगेट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विनिंग रेट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड में छुपा है। थर्ड सिनेरियो को देखिए, आपने केवल 5 times टारगेट को अचीव किया विद 30 points एंड 5 times आपके स्टॉप लॉस हिट हुए विद 10 points, एट द एंड यू आर सिटिंग इन 100 points प्रॉफिट। ये तब पॉसिबल होगा जब आप प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे एंड उसके साथ एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ, एंड इट इज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आपको यहां तक पहुंचा सकता है। बट ऐसा नहीं कि आप फिर मंडे मार्केट खुलते ही कोई भी स्टॉक पर अंधाधुंध ट्रेड लोगे विद 30 points टारगेट एंड 10 points स्टॉप लॉस, फिर नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड तुक्का, एंड तुक्का कभी कभी लगता है, नॉट ऑलवेज। सो ट्रेड विद पेशेंस। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होना है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट कीजिए इन रियल, नहीं तो खाली वीडियो देखते रहोगे। तो आप डिसाइड कीजिए इन तीनों सिस्टम में से आपको कौन सा चुनना है। सो दिस वॉज अबाउट आर रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी एंड पुल बैक इंडिकेटर्स। प्रॉपरली बैक टेस्ट करिए। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो नॉलेज इज द ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।